और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज तो किन किन तहसीलों का पेमेंट आया है, और उसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज तो किन किन तहसीलों का बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हुआ है, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आपके ये रिन्यूअल के फॉर्म तो वेरीफाई ये कब तक हो गए। तो दोस्तों, आज की डेट के अंदर तो जयपुर तो डिस्ट्रिक्ट का बेरोजगारी भत्ता आ चुका है। तो जयपुर से मेरे जितने भी तो व्यूवर हैं, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनका फाइनली बेरोजगारी भत्ता आ चुका है। और इसके बाद आज की डेट के अंदर ये सीकर तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आ चुका है। तो ये सीकर से मेरे जितने भी तो व्यूवर हैं, उन सभी के लिए भी तो बहुत खुशी की बात है कि उनका भी बेरोजगारी भत्ता आ चुका है। और इसके बाद आज की डेट के अंदर तो जोधपुर तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आ चुका है। तो जोधपुर से भी मेरे जितने भी तो व्यूवर हैं, उन सभी के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि उनका भी बेरोजगारी भत्ता आ चुका है। तो आपका यह जयपुर का मेरे हिसाब से ये गर्ल्स का तो पेमेंट आ चुका है, इसके हिसाब से तो बॉयज़ का भी तो पेमेंट आ गया है। और ये जयपुर का आपका अक्टूबर का आया या फिर तो नवंबर का, एक बार आप अपने तो बैंक अकाउंट के अंदर ये ज़रूर शेयर करें कि आपका ये अक्टूबर का आया है या फिर नवंबर का। मुझे स्क्रीन शॉट तो बहुत आया है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा है अक्टूबर या फिर नवंबर का। तो मेरे हिसाब से शायद ये जयपुर का अक्टूबर का मंथ का पेमेंट आया है। और इसके बाद ये सीकर का भी मेरे हिसाब से या तो अक्टूबर का है या फिर ये नवंबर का तो पेमेंट है, उनका भी तो पेमेंट आ चुका है। तो आप भी अपने तो बैंक अकाउंट के अंदर ये ज़रूर शेयर करें कि आपका पेमेंट अक्टूबर का आया फिर नवंबर का। इसके बाद ये जोधपुर का ये कल भी पेमेंट आया था और आज भी पेमेंट आया था। जोधपुर से मेरे हिसाब से अक्टूबर का ही तो पेमेंट है, क्योंकि ये जोधपुर का भी अक्टूबर मंथ का ही पेमेंट है। तो इसके बाद आज की डेट के अंदर ये सूरत और डिस्ट्रिक्ट का आपका नवंबर मंथ का बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हो चुका है। और इसके बाद आपके टोंक का भी तो नवंबर मंथ का बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हो चुका है। और ये टोंक के बाद आपके कोटा तो डिस्ट्रिक्ट का भी नवंबर मंथ का बेरोजगारी भत्ते का बिल पास चुका है। तो इसी हिसाब से आप देखें कि नवंबर मंथ का तो बेरोजगारी भत्ते का बिल फाइनली सभी का भी तो पास हो चुका है। और इसके बाद हम बात करेंगे तो नवंबर मंथ का बेरोजगारी भत्ता अब ये कब मिलेगा। तो आपका तो नवंबर मंथ का बेरोजगारी भत्ता आपके तो 20 से 25 दिसंबर से पहले 100% ये सभी का आ जाएगा। और इसके बाद फिर ये दिसंबर मंथ का ये प्रोसेस शुरू होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे तो जिन्होंने भी अपने फॉर्म तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, उनके फॉर्म तो वेरीफाई कब तक हो जाएंगे। अगर आपने भी तो दिसंबर के अंदर तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, तो आपके बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म ये 4 से 5 दिन के अंदर 100% तो वेरीफाई हो जाता है। और इसके बाद आपका तो बेरोजगारी भत्ते वाला ये पेमेंट वाला प्रोसेस आपके 20 से 25 दिन के बाद ये शुरू हो जाता है। तो आप भी अपनी एक बार SSO ID ये ज़रूर शेयर करें कि आपका बेरोजगारी भत्ते वाला आपका स्टेटस ये क्या बता। अगर आपके फॉर्म तो वेरीफाई हो चुके हैं तो आपके 100% पेमेंट आएगा। आपके रिन्यूअल के फॉर्म ओनली फॉर आपके वेरीफाई होते हैं, ये अप्रूव तो नहीं होते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अपडेट और वीडियो अच्छा लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप समय पर नहीं तो समय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।